हेलो डियर्स, न्यू लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 9, द हाईवे कोड। बहुत लोगों ने मेल किया कि हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है सर, हिंदी में भी आप इसे पीडीएफ बनाएं। तो अब नए लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 9 से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये मिलेगा। तो लेक्चर नंबर 9 शुरू करते हैं। NH27, NH28, NH29, NH30 एंड NH31। फर्स्ट है मेन हाईवे NH27। इसमें जो रूट है, इसका रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें रूट ही मेंशन किया होता है और पूछता है कि ये कौन से हाईवे का है, इसके हाईवे कोड बताइए। जैसे NH27 है, NH27 नहीं पूछेगा, आपको रूट दे देगा, आप बोलेगा पोरबंदर से सिलचर तक जाने वाले हाईवे का नाम बताइए, या पोरबंदर, मोरवी, फैजाबाद, गोरखपुर, गोपालगंज, धूपगढ़ होते हुए सिलचर तक जाने वाले नेशनल हाईवे का नाम बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट मेन हाईवे NH27। इसके रूट हैं, जैसे पोरबंदर से शुरू होता है, पोरबंदर से शुरू होते हुए राधनपुर, पिंडवाड़ा, उदयपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, इस्लामपुर, मैनागुड़ी, सालसागुड़ी, गुवाहाटी, दिसपुर होते हुए सिलचर तक जाती है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, इन सारे राज्यों को कवर करती है। इसकी टोटल लेंथ है 3507 किलोमीटर एंड 2179 मीटर। इसके सेकेंडरी हाईवे NH27 के सेकेंडरी हाईवे, यानी वो हाईवे जो NH27 से आके मिलते हैं, जैसे NH127 है, नागांव से शुरू होकर असम, यानी जखलाबंद के पास असम तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 42 किलोमीटर एंड 26 मीटर। NH127A भूटान सीमा तक जाती है, पाठशाला से भूटान सीमा असम तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 38 किलोमीटर एंड 24 मीटर। NH127B श्री मरामपुर से होकर होते हुए धुबरी, फुलवरिया होते हुए नोमगस्टन के पास तक जाती है। NH127C श्याम थाई हितिझार राज्य PWD चिराग जिले होते हुए गालिफ वो तक जाती है। NH127D रंगिया दरंग मेला होते हुए शुरू कामरूप असम और भूटान के बॉर्डर तक जाती है। NH127E बारामा, यानी बर्मा जिसे कहते हैं आप, बर्मा, बस्का, सुबनखाटा, भूटान सीमा तक जाती है। NH227 चकिया के पास नरहरा पकड़ी ब्रिज मधुवन होते हुए लौकाहा, लौकही, नहरिया के पास बिहार तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 214 किलोमीटर एंड 133 मीटर। NH227A छावनी के पास कलवाड़ी से शुरू होकर बरहलांज सिवान के पास चकिया तक जाती है। NH227F चकिया के पास चोरमा चौक, पकरी दयाल, ढाका, फुलवरिया को जोड़ते हुए बैरंगनिया के समाप भारत नेपाल सीमा तक जाती है।
इसकी टोटल लेंथ है 36.34 किलोमीटर एंड 22.58 मीटर। NH-227J शहर घाट के निकट NH-227 को जोड़ना उच्चैत बेनी पट्टी होते हुए बिहार जंक्शन बिहार तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 30 किलोमीटर एंड 119 मीटर। NH-227L उमा गांव के निकट NH-227 को जोड़ते हुए इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाले कलानई के निकट NH-527B के साथ बिहार तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 20.35 किलोमीटर एंड 12.6 मीटर। NH-327 बागडोगरा के पास नक्सलीबारी गलगलिया ठाकुरगंज होते हुए रानीगंज भरगामा होते हुए पिपुरा सुपौल बनगांव के पास बरियाही बाजार तक जाती है जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसकी टोटल लेंथ है 32 किलोमीटर एंड 20 मीटर। NH-327EXT बनगांव के पास बरियाही बाजार सुपौल पिपरा होते हुए अररिया बहादुरगंज ठाकुरगंज होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा तक जाती है। NH-327A सुपौल के पास NH-327 के पास भतिया तक जाती है। NH-327AD सरायगढ़ के निकट NH-327A को जोड़ते हुए लालगंज और इसके जंक्शन पर समाप्त सीमा गणपतगंज के पास तक जाती है। NH-327B पानी टंकी के पास NH-327 से गुजरते हुए मेची ब्रिज भारत नेपाल सीमा तक जाती है। नेक्स्ट है NH-327C खोरीबाड़ी के पास NH-327 के पास घोसपुकुर तक जाती है। NH-427 हावली बरपेटा हाजू के पास जलुकबारी के पास तक जाती है, यानी हावली से शुरू होकर बरपेटा हाजू होते हुए NH-27 के पास जलुकबारी के पास तक जाती है। NH-527 फोर्सगंज के पास जोगबनी बिहार तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 14 किलोमीटर एंड 8.7 मीटर। NH-527A पोखरौनी के चौक के पास NH-527B मधुबनी रामपट्टी होते हुए झंझारपुर बिहार तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 28 किलोमीटर एंड 17 मीटर। NH-527B दरभंगा के पास औसी जयनगर होते हुए NH-227 बिहार तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 55 किलोमीटर एंड 34 मीटर। NH-527C मझौली कटरा जजुआर पुपरी के पास होते हुए जरौत बिहार तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 66 किलोमीटर एंड 41 मीटर। NH-527 पिपरा कोठी के पास सगौली रक्सौल होते हुए नेपाल सीमा बिहार तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 69 किलोमीटर एंड 43 मीटर। NH-527E प्रस्तावित दरभंगा बाईपास बिहारी और को जोड़ने वाले रामनगर के पास
समाप्त होती है, यानी कि बिहारी से शुरू होकर रामनगर तक जाती है। NH 627 नेले राजगांव से होते हुए दोयमुख उमरंगसो खोबक हरंगा जाओ के पास तक जाती है। नेक्स्ट है NH 727 कुशीनगर के पास छितानूनी रेल सह सड़क पुल वगह लौरिया बेतिया के पास छपवा उत्तर प्रदेश बिहार दोनों राज्य को कवर करती है। इसकी टोटल लेंथ है 169 किलोमीटर एंड 105 मीटर। NH 727A गोरखपुर के पास देवरिया सलेमपुर मैरवा के पास NH 227 तक जाती है, यानी गोरखपुर बाईपास होते हुए देवरिया गोरखपुर बाईपास से निकलती है, देवरिया सलेमपुर मैरवा तक जाती है। NH 727AA मनुआ पुल के निकट कनेक्टिंग बिहार राज्य के पटजी पटजीरवा पकनाहा पिपरा घाट और उसके जंक्शन पर समाप्त होना राज्य के सेवरही के पास NH 730 के साथ उत्तर प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 39 किलोमीटर एंड 24 मीटर। पकनाहा से शुरू होकर सेवरही तक जाती है ये, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में ये पड़ता है। नेक्स्ट है NH 727B फाजिलनगर कुशीनगर जिला में पड़ता है, फाजिलनगर के पास तमकुही राज सलेमपुर के पास तक जाती है, यानी फाजिलनगर होते हुए तमकुही राज होते हुए सलेमपुर तक जाती है। फाजिलनगर और तमकुही कुशीनगर जिला में पड़ता है और सलेमपुर देवरिया जिला में पड़ता है। NH 727BB गोरखपुर से होते हुए पाटवाली तक जाती है। NH 727B हरैया से होते हुए भवनाना स्वामी नारायण मनकापुर तक जाती है, मनकापुर गोंडा तक जाती है, हरैया से होते हुए मनकापुर और गोंडा तक जाती है। NH 727H यानी बाराबंकी से होते हुए देवा शरीफ फतेहपुर महमूदाबाद बिसवा लहरपुर लखीमपुर के पास तक जाती है, यानी बाराबंकी से शुरू होकर लखीमपुर तक जाती है। NH 927 बाराबंकी से शुरू होकर बहराइच नेपालगंज सीमा उत्तर प्रदेश नेपालगंज सीमा तक जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी टोटल लेंथ है 152 किलोमीटर एंड 94 मीटर। NH 927A रतलाम बांसवाड़ा सगवाड़ा डूंगरपुर खेरवाड़ा कोटरा स्वरूपगंज यानी रतवाला से शुरू होकर बांसवाड़ा सगवाड़ा होते हुए स्वरूपगंज तक जाती है। NH 927D धोराजी के पास NH 27 जामकंदोना कंदोमा कलावाद जामनगरी यानी धोराजी से शुरू होकर जामकंदोमा होते हुए कलावाद होते हुए जामनगरी तक जाती है। नेक्स्ट है मेन हाईवे NH 28। अभी तो हमने NH 27 पढ़ा और उसके सेकेंडरी हाईवे यानी कि जो हाईवे NH 27 से जाके मिलती है। अब नेक्स्ट है मेन हाईवे NH 28। इसके रूट हैं नेपाली सीमा पर पिपरावा सिद्धार्थ नगर बांसी रधौली बस्ती टांडा अतरौलिया आजमगढ़ कटघरी लालगंज वाराणसी के पास तक जाती है।
ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इसकी टोटल लेंथ है 305 किलोमीटर एंड 119 मीटर। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिर्फ रूट देता है और हाईवे पूछता है, सेकेंडरी हाईवे भी पूछ सकता है, लेकिन पुराने पेपरों में सेकेंडरी हाईवे नहीं पूछा है, केवल मेन हाईवे के रूट दिया रहता है और उसमें पूछेगा कि इस हाईवे का नाम बताए। जैसे यहाँ पर दे देगा नेपाली सीमा से होते हुए, सिद्धार्थ नगर होते हुए, बांसी रधौली होते हुए, वाराणसी के पास तक जाने वाले हाईवे का नाम बताइए, तो ये NH-28 होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, रूट। सेकेंडरी हाईवे पुराने पेपरों में नहीं दिया है, तो आप इसे भी पढ़ लें क्योंकि नए पैटर्न में भी पूछ सकता है। तो NH-28 के जो रूट है, जैसे नेपाल सीमा होते हुए सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर गोरखपुर जिले के बगल में है, बांसी बस्ती टांडा होते हुए वाराणसी वाराणसी तक जाती है, जो कि टोटल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी टोटल लेंथ 305 किलोमीटर एंड 190 मीटर। अब इसके सेकेंडरी रूट है, यानी जो जो नेशनल हाईवे इससे जाके मिलते हैं, यानी जो सेकेंडरी लेवल के हाईवे हैं, जैसे NH-128 है टांडा अम्बेडकर नगर के पास नियर सुल्तानपुर अमेठी पास रायबली बरेली तक, उत्तर प्रदेश में है ये, यानी कि टांडा अम्बेडकर नगर से होते हुए रायबरेली तक जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी टोटल लेंथ है 164 किलोमीटर एंड 102 मीटर। नेक्स्ट है NH-128A, मोहम्मदपुर बादशाहपुर जौनपुर, यानी मोहम्मदपुर से शुरू होकर जो बादशाहपुर होते हुए जौनपुर के पास तक जाती है ये। NH-128C आजमगढ़ से शुरू होकर दोहरी घाट तक जाती है। NH-128D आजमगढ़ के पास, यानी आजमगढ़ से शुरू होकर मऊ तीखा फेफना बलिया तक जाती है। NH-328 बस्ती से शुरू होकर मेहदावल करमैनी कैंपियरगंज होते हुए परतावल कप्तानगंज तक जाती है। बस्ती एक अलग जिला है, कप्तानगंज अलग जिला है, कप्तानगंज जिले में परतावल एक जगह है, वहाँ तक जाता है ये। नेक्स्ट है NH-328A, NH-328 मेहदावल कहलियाबाद गंगाटा रामनगर न्योरिक, यानी कि मेहदावल से शुरू होकर न्योरिक तक जाती है या रामनगर तक जाती है, जो कि NH-28 के पास। अब इसके बाद नेक्स्ट हाईवे है मेन हाईवे NH-29। इसमें भी रूट इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी रूट पूछ सकता है, सेकेंडरी हाईवे भी तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन हाईवे का जो रूट है यही पूछेगा आपसे। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। जैसे इसके रूट हैं डबका सुतार गांव अमलाखी दीमापुर कोहिमा चीजाम जेसामी, यानी कि डबका से शुरू होकर अमलाखी दीमापुर होते हुए कोहिमा होते हुए जेसामी तक जाती है। ये असम और नागालैंड दो स्टेट में पड़ता है। इसकी टोटल लेंथ है 320 किलोमीटर एंड 200 मीटर। इसके सेकेंडरी हाईवे कौन है, NH-129 दीमापुर से शुरू होकर बोकाजन गोलघाटा होते हुए नुमालीगढ़ के पास असम तक जाती है। असम और नागालैंड दोनों स्टेट में ये हाईवे पड़ता है। इसकी टोटल लेंथ है 105 किलोमीटर एंड 65 मीटर। नेक्स्ट है NH-129A, ये मर्मा से शुरू होकर पेरेन जलूकी पिमला होते हुए रजाफे जंक्शन निकट दीमापुर तक जाती है।
NH 229 उपजेल से शुरू होकर थाहूखू चुमुकेदिया तक जाती है। उपजेल से शुरू होकर थाहूखू होते हुए चुमुकेदिया चुमुकेदिमा तक जाती है। थोड़ा नाम अजीब अजीब है, नागालैंड और असम में प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो सकता है। NH 329 माजा से शुरू होकर दीफू होते हुए लुमडिंग तक जाती है। नेक्स्ट है NH 329A दीफू से शुरू होकर पिमला होते हुए संगम तक जाती है। NH 129A के संगम पश तक जाती है। नेक्स्ट है मेन हाईवे NH 30, इसके रूट है सितारगंज, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मंगवा, रीवा, कटनी, जबलपुर, मंडला, चिल्ली, सिमगा, रायपुर, धमतरी, केसकल, जगदलपुर, कोंटा, नेल्लीपाका, भद्रा चलम, पलवांचा, कोट्टागुडेम, तिरुवूरु, मैलावरम, निकट कोंडापल्ले, ये इसके रूट हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इतने राज्यों को ये कवर करती है। इसकी टोटल लेंथ है 2010 किलोमीटर एंड 1250 मीटर। यानी इसके रूट आपको यहाँ पे दिया हुआ है सितारगंज, पीलीभीत शुरू होकर, यानी पीलीभीत से शुरू होती है बरेली, शाहजहांपुर होते हुए इलाहाबाद, रीवा, कटनी, जबलपुर, मैलावरन के निकट तक कोंडापल्ले तक जाती है। तो ऐसे रूट आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन से हाईवे का है। तो ये इसके मेन रूट हैं। अब इससे मेन हाईवे NH 30 के सेकेंडरी रूट। अब नेक्स्ट सेकेंडरी हाईवे ऑफ NH 30, फर्स्ट है NH 130 सिमगाना के पास से शुरू होती है बिलासपुर, काठगोरा के पास अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 291 किलोमीटर एंड 181 मीटर। यानी कि सिमगा के पास से शुरू होती है बिलासपुर, काठगोरा होते हुए अंबिकापुर तक जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसकी टोटल लेंथ है 291 किलोमीटर एंड 181 मीटर। NH 130A, यहाँ पे N रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग करते हुए गलती हो गया। NH 130A पौंडी, पंडरिया, मुंगेली होते हुए बिलासपुर तक जाती है। यानी पौंडी शुरू होकर पंडरिया, मुंगेली होते हुए बिलासपुर तक जाती है। NH 130B रायपुर से शुरू होकर पलारी, बलौदा बाजार, कसडोल, सारंगगढ़ तक जाती है। यानी रायपुर के पास से शुरू होती है, यहाँ की पलारी है, पलारी से शुरू होकर बदौला बाजार होते हुए सारंगगढ़ के पास तक जाती है। NH 130C अभनपुर, रजिम, गरियाबंद, बारदूला, देवभोग, बलधिमाली के पास तक जाती है। यानी अभनपुर के पास NH 30 है, वहाँ के रजिमा से शुरू होती है गरियाबंद होते हुए कहाँ तक, बलधिमाली के पास तक जाती है। NH 130CD
NH30 कुस्द बाईपास, उमरदा मेघा, बिझूरी बिझूली, सिंहपुर दुगली, डोंगरडुला नगरी, सोनम नगर, सिहावा रातावा, गुंटकेल कुंडेई, हठभरंडी रायगढ़, बेहेड़ा उमरकोट, धोदरा धमनगुंडा, दाबू गांव के पास पाप दहांडी तक जाती है। यानी कि उमरदा उमरदा मेघा से शुरू होकर बिजली दुगली डोंगडूला नगरी सोमनगर होते हुए धमनगुंडा दाबू गांव के पास पाप दहांडी तक जाती है। NH-130D कुंडा गांव नारायणपुर कुतुल बिंडू बिंगूडा लहरी धोधराज भामरागाड़ हेमलकासा अल्लापल्ली के पास तक जाती है। यानी कोंडा गांव से शुरू होकर नारायणपुर कुतुल होते हुए अल्लापल्ली तक जाती है। नेक्स्ट है NH-230 बक्सी का तालाब के पास चेनहट के साथ जंक्शन, बक्सी के पास तालाब उत्तर प्रदेश। बक्सी का तालाब ये लखनऊ जिले में पड़ता है, तो लखनऊ जिले में ये उत्तर प्रदेश में ही है। बक्सी का तालाब मशहूर जगह है, तो बक्सी के तालाब से होते हुए बक्सी के तालाब के पास उत्तर प्रदेश तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 17 किलोमीटर एंड 11 मीटर। NH-330 इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ सुल्तानपुर फैजाबाद तक जाती है। यानी इलाहाबाद से शुरू होकर फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद और टोटल उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तक जाती है। इलाहाबाद से शुरू होकर फैजाबाद तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 103 किलोमीटर एंड 64 मीटर। NH-330A रायबरेली से शुरू होकर जगदीशपुर फैजाबाद के पास तक जाती है। NH-330B गोंडा के पास जरवाली के पास, यानी गोंडा के पास से शुरू होकर जरवाली के पास तक जाती है। NH-330D सीतापुर के पास मिश्रिख भगौली कन्नौजो के पास हरदोई बिलग्राम तक जाती है। यानी कि सीतापुर से शुरू होकर, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, सीतापुर लखनऊ जिले में, सीतापुर से शुरू होकर बिस्कौली होते हुए हरदोई बिलग्राम तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 134.8 किलोमीटर एंड 83.8 मीटर। यहाँ पर किलोमीटर और मीटर लिखना मिसप्रिंट हो गया है। NH-530 बरेली के पास से शुरू होती है रामपुर उत्तर प्रदेश तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 66 किलोमीटर एंड 41 मीटर। बरेली और रामपुर दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। NH-530B सिकंदर राव हाथरस मथुरा, यानी कि NH-30 बरेली के पास से शुरू होती है बदायूं सिकंदर हाथरस होते हुए मथुरा पास तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 79.3 किलोमीटर एंड 127.6 मीटर। NH-730 पीलीभीत के पास पूरनपुर खुटार गोला गोकरण नाथ लखीमपुर ईसानगर नानपारा बहराई श्रावस्ती बलरामपुर तुलसीपुर बरहनी सोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर फरेंदा महाराजगंज प्रतावल कप्तानगंज पडरौना NH-27 तमकुही राज के पास उत्तर प्रदेश 519 किलोमीटर एंड 322 मीटर। यानी टोटल ये उत्तर प्रदेश पड़ता है, जो कि पीलीभीत के पास से
पूरनपुर से शुरू होते हुए खटार, गोला, लखीमपुर, ये सारे जिले का नाम है उत्तर प्रदेश में। बहराइच, श्रावस्ती, तुलसीपुर, सोहरतगढ़, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, परतावल, पडरौना, बिहार बॉर्डर, तमकुही राज बिहार बॉर्डर तक ये जाता है। यानी पीलीभीत से शुरू होकर तमकुही राज पडरौना ये कुशीनगर जिले में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश के बिहार के पास का सबसे लास्ट जिला है। NH 730A पूरनपुर के पास पवाए, मैकलगंज के पास, यानी पूरनपुर के पास पवाए से शुरू होकर मैकलगंज के पास तक ये जाती है। NH 730B बरेली के पास भूटा, बिसलपुर के पास तक जाती है, यानी बरेली से शुरू होकर बरेली के पास भूटा, भूटा से शुरू होकर बिसलपुर तक के पास जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 35.4 किलोमीटर एंड 22 मीटर। NH 730C बीसलपुर के पास मीरानपुर, कटरा, फतेहगढ़, बेवाड़ी के पास तक जाती है। यानी बीसलपुर के पास से मीरानपुर से शुरू होती है, कटरा, फतेहगढ़ होते हुए बेवाड़ी के पास तक जाती है। NH 730H कुडवा के पास मिहिनपुरवा, मोतीपुर, निशानगढ़, बिछिया, कतरनी घाटी, यानी कुड़वा के पास मिहिनपुरवा से शुरू होती है, बिछिया कतरानी घाट तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 46.8 किलोमीटर एंड 29.1 मीटर। NH 730S महाराजगंज के पास NH 730 निकलैल, थुथीबारी, भारत नेपाल सीमा के बॉर्डर तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 38.4 किलोमीटर एंड 23.9 मीटर। यानी महाराजगंज तो एक जिले का नाम है। महाराजगंज में निकलौल से शुरू होती है, थुथीबारी होते हुए भारत नेपाल सीमा तक जाती है। NH 930 पुरूर के पास NH 30 बालोद, कुसुमकासा, कुम्हारी, मानपुर, मुरमगांव, धनोरा, गढ़चिरौली, मूल, चंद्रपुर, बरोरा, वानी, करंजिक के पास तक जाती है। NH 930 कहाँ से शुरू होती है? बालोद से शुरू होकर वानी या NH 44 करंजिक के पास तक जाती है। नेक्स्ट है NH 930D चंद्रपुर के पास बीसापुर, बल्लारपुर, बामनी, राजूरा, बरूर, देवड़ा, लक्कड़कोट, महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर तक जाती है। यानी चंद्रपुर के पास बीसापुर से शुरू होकर बल्लारपुर होते हुए महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर लक्कड़कोट तक जाती है। नेक्स्ट है मेन हाईवे NH 31। इसके रूट हैं उन्नाव के पास लालगंज, रायबरेली, सैलून, प्रतापगढ़, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, छपरा, हाजीपुर, बख्तियारपुर, मोकामा, बेगूसराय, खगड़िया, बिहपुर, नौगछिया, गोसाई गांव, कुरसेला, कोरा, कटिहार, पांडुआ के पास हरिश्चंद्रपुर तक जाती है। यानी इसके रूट उन्नाव के पास से शुरू होती है, उन्नाव के पास से लालगंज जो जगह है वहाँ से शुरू होती है, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए मोकामा, खगड़िया, कटिहार, पंडुआ के पास हरिश्चंद्रपुर तक जाती है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तीन राज्यों को कवर करती है। इसकी टोटल लेंथ है 968 किलोमीटर एंड 601 मीटर।
सेकेंडरी हाईवे ऑफ NH-31। फर्स्ट है NH-131 बिहपुर के पास किशनगंज मधेपुरा वीरपुर बिहार सीमा तक जाती है, यानी बिहपुर के पास किशनगंज से शुरू होकर मधेपुर होते हुए वीरपुर बिहार सीमा तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 132 किलोमीटर एंड 82 मीटर। नेक्स्ट है NH-131A मालदा रतुआ देवीपुर अहमदाबाद मनिहारी कटिहार निकट बिहार राज्य के पूर्णिया जिले तक जाती है, यानी मालदा रतुआ देवीपुर होते हुए मालदा से शुरू होकर रतुआ देवीपुर मनिहार कटिहार होते हुए बिहार राज्य के पूर्णिया तक जाती है। NH-131B नौगछिया के पास NH-31 और समाप्त होने वाला भागलपुर के पास NH-33 के साथ इसके जंक्शन पर बिहार तक जाती है, यानी नौगछिया से शुरू होकर भागलपुर के पास तक जाती है। NH-131 के पास दिहवारा शेरपुर कन्हौली रामनगर पटना रिंग रोड, यानी दिघारा से शुरू होकर रामनगर बिहार तक ये जाती है जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। ये शुरू होता है दिघवारा से और जाता है दिघवारा से शुरू होकर शेरपुर होते हुए कन्हौली होते हुए रामनगर तक जाती है और ये किस राज्य में पड़ती है, बिहार राज्य में। नेक्स्ट है NH-231 महेश कुंड के पास सोनबरसा राज सिमरी बख्तियारपुर सहरसा मधेपुरा सरसी पूर्णिया कोरास तक जाती है, यानी कि महेश कुंड से शुरू होकर महेश कुंड के पास सोनबरसा से शुरू होकर सिमरी बख्तियारपुर होते हुए पूर्णिया तक जाती है। और ये कहाँ पड़ता है, टोटल बिहार में पड़ता है। इसकी टोटल लेंथ है 196 किलोमीटर एंड 122 मीटर। नेक्स्ट है NH-331 छपरा के पास बनियापुर मोहम्मदपुर, यानी छपरा के पास बनियारपुर से शुरू होकर मोहम्मदपुर तक जाती है और ये कहाँ पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है। इसकी टोटल लेंथ है 65 किलोमीटर एंड 40 मीटर। NH-431 फतुहा बरहो पास हरनौत बिहार तक जाती है, फतुहा से शुरू होकर हरनौत तक जाती है क्योंकि बिहार राज्य में पड़ता है। इसकी टोटल लेंथ है 70 किलोमीटर एंड 43 मीटर। नेक्स्ट है 531 छपरा सीवान गोपालगंज, छपरा से शुरू होकर गोपालगंज तक जाती है जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। इसकी टोटल लेंथ है 93 किलोमीटर एंड 58 मीटर। NH-731 जौनपुर के पास सुल्तानपुर लखनऊ तक जाती है, यानी जौनपुर से शुरू होकर सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ तक जाती है और ये उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। इसकी टोटल लेंथ है 221 किलोमीटर एंड 137 मीटर। NH-731A प्रतापगढ़ जेठवाड़ा श्रृंगवेरपुर मझनपुर राजापुर चित्रकूट, यानी प्रतापगढ़ के से शुरू होकर जेठवाड़ा श्रृंगवेरपुर होते हुए मझनपुर होते हुए चित्रकूट तक जाती है। NH-731AG राजापुर के पास रामटेकरा से शुरू होकर रायपुर के पास तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 18.3 किलोमीटर एंड 11.4 मीटर। NH-731B मछली शहर के जोड़ने जंघई दुर्गागंज भदोही कपसेठी
लहरतारा मोहन सराय रोड वाराणसी तक जाती है, यानी मछली शहर के जो जंघई जंघई से शुरू होकर दुर्गागंज भदोही होते हुए वाराणसी तक जाती है, जो कि टोटल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी टोटल लेंथ है 86 किलोमीटर एंड 53 मीटर। नेक्स्ट है NH 731 के, शाहजहांपुर के पास बीसलपुर से शुरू होकर बरखेड़ा होते हुए पीलीभीत तक जाती है। इसकी टोटल लेंथ है 81 किलोमीटर एंड 50.3 मीटर। NH 931 जगदीशपुर के पास मुसाफिर खाना गौरीगंज अमेठी प्रतापगढ़, यानी जगदीशपुर के पास मुसाफिर खाना से शुरू होकर गौरीगंज अमेठी होते हुए प्रतापगढ़ के पास तक जाती है। NH 931A जगदीशपुर सैलून के पास तक जाती है, यानी जगदीशपुर से शुरू होकर सैलून के पास तक, NH 31 सैलून के पास तक जाती है, जगदीशपुर से शुरू होकर NH 31 के पास तक जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।